नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल चिरू यूट्यूब चैनल में आपको बहुत ही स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोग NSDL पाम मोबाइल एप्लीकेशन में काम करना चाहते हो, लेकिन भाई अभी के टाइम पर बहुत सारी ऐसे वेबसाइट है, जैसे CSC का पोर्टल है और ऐसे दो एक कंपनी है जो वेब पोर्टल में पेपरलेस पैन कार्ड का एप्लीकेशन करने का ऑप्शन देते हैं। लेकिन भाई देखो, जब आप NSDL पाम मोबाइल एप्लीकेशन से काम करेंगे तो आप प्रॉपरली काम कर सकते हो। तो मैं ऐसे कुछ बात नहीं बोल रहा हूँ कि भाई वो वेबसाइट में नहीं चलेगा, वेबसाइट ख़राब है, ऐसे कुछ बात ही नहीं है। देखो, जो NSDL का डायरेक्ट पोर्टल है वो है लॉगिन मैनेजर और NSDL पाम मोबाइल एप्लीकेशन। तो आपको अगर NSDL पाम मोबाइल एप्लीकेशन में काम करना है और लॉगिन मैनेजर में काम करना है तो आपको ब्रांच आईडी ही लेना पड़ेगा। अब ब्रांच आईडी लेंगे तभी आप प्रॉपरली डायरेक्ट NSDL के साथ काम कर पाएंगे। इस आईडी को लेने के बाद आपका सेंटर का नेम NSDL ऑफिशियल वेबसाइट में शो कराएगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि हम अगर लॉगिन मैनेजर या NSDL पाम मोबाइल एप्लीकेशन से पैन कार्ड की एप्लीकेशन करेंगे तो कितने पैसे कटेगा। NSDL ऑफिशियल जो प्राइस है, मतलब एक पैन कार्ड एप्लीकेशन करते वक्त जो पैसे लगते हैं वो है 107, मतलब 107 रुपये। तो 107 रुपये पैन कार्ड एप्लीकेशन करते वक्त चार्ज लगेगा। कंपनी से आपको अभी के टाइम पर 9 रुपये कमीशन दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोग अभी बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर कमीशन कम है, बहुत सारी कंपनी है जो ज़्यादा कमीशन देते हैं। भाई देखो, जब आप लेंगे ना उसके बाद ही आपको सारी कुछ पता चलेगा। पहले आपको बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेगा लेकिन वो चीज़ होता नहीं है। लेकिन मैं जो बोलता हूँ वो आपको करके दिखाता हूँ, ये बात का गारंटी है भाई। और मैंने जिन लोगों को प्रोवाइड किया उन लोगों का फीडबैक वीडियो मेरे चैनल में है, उनको कैसे मिला, उनको कितना कमीशन मिला, कमीशन कैसे मिलते हैं, तो सारी कुछ डिटेल्स वो लोग ही पता है, मैं नहीं बताऊँ भाई। जो मेरा कस्टमर है वो लोग ही वीडियो फीडबैक मुझे दिया है, तो आप वो सारे मेरे चैनल में देख सकते हो। अगर आपको NSDL पाम मोबाइल एप्लीकेशन के आईडी प्रॉपरली एंड सही से लेना है तो टेक्निकल चिरू को कॉन्टैक्ट करो, आपको आसानी से मिल जाएगा। ब्रांच आईडी लेने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा और एक रजिस्ट्रेशन फी है जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारी कुछ आप प्रोवाइड कर देंगे तो 7 से 10 दिन के अंदर, मतलब 7 to 10 डेज में आपको आईडी पासवर्ड ईमेल के थ्रू मिल जाएगा। तो आपको अगर सही से चाहिए तो टेक्निकल चिरू को कॉन्टैक्ट करो। अगर टेक्निकल चिरू को विश्वास नहीं होता है तो भाई कॉन्टैक्ट ही मत करना, क्योंकि आप अगर मुझे विश्वास नहीं करेंगे तो मेरे से आईडी भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि मैं आपको जो भी बोलूँगा आपको विश्वास नहीं होगा। आप सोचेंगे कि भाई बाकी लोग बहुत लो प्राइस में बेच रहे हैं, आप इतना ज़्यादा क्यों ले रहे हो। तो भाई देखो वो क्या क्या सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही है, वो क्या दे रही है आपको। ऐसे तो नहीं है कि आईडी ले ली है उसके बाद वो कॉन्टैक्ट ही नहीं किया, मतलब आप फ़ोन करते हो फ़ोन नहीं उठाते, आपको सपोर्ट नहीं करते, तो ऐसे आईडी लेने का क्या फ़ायदा भाई। आप काम करने के लिए लोगे तो आपको सपोर्ट भी चाहिए, काम करते करते आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा ही, तो उस प्रॉब्लम में आपको कौन बताएगा, कौन हेल्प करेगा। तो सारे कुछ सोचना चाहिए भाई, तभी आईडी लेना चाहिए। ऐसे ही किसी के पास से आईडी लोगे तो भाई बाद में पछताना पड़ेगा। तो आपको अगर बाद में पछताना नहीं है तो भाई सही से लो, जो सही से प्रोवाइड करते हैं उनसे लो। ऐसा नहीं है कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि मेरे से ही लो, मैं सही हूँ, सबसे मतलब अच्छा हूँ मैं, बाकी लोग सब गलत है, ऐसे भी नहीं बोल रहा हूँ भाई। आपको अगर सारी कुछ सही लगता है तभी मुझे कॉन्टैक्ट करें, अगर नहीं लगते हैं भाई तो आपको जहाँ पर विश्वास होगा, आप जिसको ट्रस्ट करेंगे उनसे ही कॉन्टैक्ट कीजिए, उनसे लीजिए।